आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है। अगर आप चाहते हैं चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, तो भी मरेंगे। और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों। और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi. आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हो रही लोकतंत्र बचाओ रैली में पधारे आप सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और ये मंच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे एकता में, हमारे विविधता में एकता है, ये दर्शाने के लिए आज ये जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। और इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और खासकर ये जो मीटिंग है इसका एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष इकट्ठा होना चाहिए। इतने पार्टी के नेतागण इस मंच पे बैठे हैं और ये किस लिए बैठे हैं? कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, सॉरी कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे। वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है। तो मैंने यही कहा, हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। और खास करके मुझ पे जो पेनल्टी लगाई है वो 3,567 करोड़ का, 3,567 करोड़ की पेनल्टी मुझ पे लगाई है। 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने 135 करोड़ का जुर्म लगाया। ऐसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके आज 3,667 रुपए कर दिया, ताकि जैसा राहुल जी ने कहा हम प्रचार न कर सके, कहीं भी जा नहीं सके, कहीं जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को कोने कोने में भेजना नहीं। ये तरीका मोदी जी ने अपनाया है। और डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं।
चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं। और ये कह रहे हैं अगर आप कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में जाएंगे तो आपको क्या जेल चाहिए, क्या आपको गठबंधन चाहिए। यह मैं दावे के साथ कहता हूं किन किन नेताओं को उन्होंने डराया, ऐसा ही डरा डरा के बहुत से एमपी खरीदा, एमएलएज खरीदा और उन्होंने नए सरकारें बनाई। ये है मोदी की नीति और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमको लड़ना है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे। और संविधान नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए, मेरे माताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप याद कीजिए अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते, क्योंकि उनके विचार वैसे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मिलकर एडल्ट फ्रेंचाइज लाकर हर एक आदमी को वोटिंग का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे कारखाने का बड़ा से बड़ा धनी हो, सबको अधिकार मिला। इससे पहले था क्या? आज बड़े बड़े बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। कौन लीडर ऐसा बताओ? यही बीजेपी वाले, यही आरएसएस वाले जनसंघ के नाम पे थे तब क्या करते थे? तब ये सरकारी नौकरी में जाने के लिए लोगों को कहते थे, ये कहते थे क्विट इंडिया आंदोलन में भाग मत लो, गांधी जी की आइडिया अच्छी नहीं है, ये कहते थे। ये नौकरियों में रहते थे, ये व्यापार करते थे और देश के लिए कभी नहीं लड़े। मैं उसी लिए कई बार बोलता हूं, इनके घर का एक स्वान भी भोगता नहीं था ऐसी परिस्थिति, लेकिन हमारे लोग सूली पे चढ़े, हमारे लोग लड़े। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के तरफ हमारा ध्यान है और इसीलिए हमको ये जरूर होगा कि हम सबका विकास चाहते हैं, चंद अमीर मित्रों का विकास मोदी चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना होता। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों, और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये लोग आज, ये तो देखिए, ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है, आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है,
अगर आप चाहते हैं चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, क्या बोलते हैं आपके इसमें मुझे मालूम नहीं, चाट के, तो चाट के अगर विष को देखेंगे तो भी मरेंगे, विष पियेंगे तो भी मरेंगे। तो वैसा चाट के एक बार देखने के लिए मत जाओ, और एक बार देखे हैं तो मोदी देश को खराब करता है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसमें तो मशहूर हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए शायद यहां से, ये वक्त वक्त नहीं, ये वक्त वक्त नहीं एक मुकदमा है, ये वक्त वक्त नहीं एक मुकदमा है, या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ गवाही दो या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिए। क्या ऐसा गुनाह था भाई, अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो, और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे, उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा था। तो इसलिए मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। क्या यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, क्या यह मैदान है? जैसा मैं राहुल जी का क्रिकेट का जिक्र किए थे, साहब क्रिकेट तो सब लोग ठीक ठाक मैदान बनाते हैं और पिच भी अच्छा करते हैं तब लोग खेल पाते हैं, यहां तो मोदी सब तरफ खड्डा खोद के हमको क्रिकेट खेलो बोल रहा है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार हराना चाहिए, जब तक इनको हराएंगे नहीं तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या सिर्फ आज एक केजरीवाल जी के लिए नहीं है, या हेमंत के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। और ये जरूरी है, गरीब को, किसान को, मजदूर को, छोटे मोटे व्यापारियों को, इनकी रक्षा करने के लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाओ। ये 224 की चुनाव होगी युवाओं के रोजगार के लिए, ये चुनाव होगी बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर, ये चुनाव होगी किसानों के MSP गारंटी पर, ये चुनाव होगी लोगों की हिस्सेदारी, जो राहुल जी ने बीड़ा उठाया है कि जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जनसंख्या है उसको उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जनसंख्या भारी है उसको न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए वो जो आवाज उठाए इसकी भी लड़ाई है, और भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है। और चुनाव देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने की है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही वायदा, मैं अपेक्षा करता हूं जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे,
नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो, ये हमारा उसूल होना चाहिए, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो। हम येचुरी साहब डी राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। उसी ढंग से हम आप आदमी से हम यहाँ पर लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं, तो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। तो ये जो बना, ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। अगर वो व्यक्ति संविधान बचा, हर व्यक्ति बचेगा, और जो अच्छा काम करता है वो जरूर बचेगा। तो इसीलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा, हम लड़ेंगे और बीजेपी को ये बताएंगे, भाई तुम्हारा ज्यादा हुआ बस करो, लोग अंडर करंट है, आप ये मत सोचो 400 पार की जो बात करते हैं ये 400 होने वाला नहीं है। चुप लोगों को डराना धमकाने की बात करते हैं। अरे हमारे पास वो हिम्मत है, हमने कई लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने कई लड़ाई लड़ी है, बीजेपी के लोग तो एक बार दो सीट आए थे उनके, दो ही सीट, आपको मालूम होगा दिल्ली वाले आप बेहतर जानते हैं। तो ये दो सीट लिए सो लोग बार बार दूसरों को गालियां देते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आखिरी में एक बात कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, तो वो ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए जो मुश्किलातें हैं, उन मुश्किलातों को हम सब मिलके दूर करेंगे। और मोदी का क्या है, कोर्ट भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, सभी कुछ उसके पास है। और इसीलिए मैं, एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो दलील भी तुम, अपील भी तुम दलील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। सब उनका, वकील उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को टिकाना, आप में जोश आना चाहिए और जोश के साथ हम लड़ते रहेंगे। मैं करूंगा, मैं कहूंगा जय हिंद, जय हिंद। क्या यारो, उधर के पीछे के लोग बोल रहे हैं, आपको नहीं होना जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi.